हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी फाइनली आज थिएटर्स में रिलीज हो गई है। देखिए, फिल्म का फैन लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अब लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। फिल्म का डायरेक्शन रोहित शेट्टी ने किया है और इसे प्रोड्यूस करण जौहर के साथ साथ रिलायंस एंटरटेनमेंट अक्षय और रोहित शेट्टी ने किया है। तो देखिए, फिल्म के रिलीज के बाद अब हर किसी को इंतजार रहता है उसके रिव्यूज का। आखिर क्या ये फिल्म वाकई में देखने के लायक है या नहीं, तो चलिए इंतजार किस बात का, बताते हैं आपको सूर्यवंशी का रिव्यू, जिसे जानने के बाद आपका भी माइंड क्लियर हो जाएगा कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी से। फिल्म की कहानी है डीसीपी वीर सूर्यवंशी की, जो कि मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ है। अब मुंबई पर हमला करने की योजना बना रहे एक आतंकवादी समूह को रोकने के लिए वीर सूर्यवंशी यानी कि अक्षय, इंस्पेक्टर संग्राम भाले राव यानी कि रणवीर सिंह और डीसीपी बाजीराव सिंघम यानी कि अजय देवगन के साथ दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए आगे आते हैं। अब शहर से आतंकवादी समूह को खत्म करने के लिए ये तीनों क्या करते हैं, यही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म में देखिए कैटरीना कैफ भी हैं, जिन्होंने अक्षय की वाइफ अदिति सूर्यवंशी का किरदार निभाया है। अब आपको ये बता दें कि इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिले हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि ये एक मसाला एंटरटेनमेंट फिल्म है और फिल्म में एक्शन के साथ साथ कॉमेडी का डोज भी दिया गया है। फिल्म में देखिए कई जगहों पर बेहद ही शानदार एक्शन सीन्स फिल्माए गए हैं और साथ ही अक्षय ने जो स्टंट्स किए हैं वो वाकई में शानदार है। थिएटर्स में फैंस यकीनन सीटियां बजाने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे। जोमोंड जो जॉन की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है, साथ ही बंटी नागी की एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ ही फरहाद सामजी द्वारा लिखे गए डायलॉग्स भी एकदम दमदार और बढ़िया हैं। अब बात करें देखिए फिल्म के क्लाइमेक्स की, तो वो आपको अपनी कुर्सी से बांधे रखने में कामयाब रहा है। जी हाँ, फिल्म को देखते वक्त आप देशभक्ति के रंग में रंग जाएंगे। रोहित शेट्टी ने फिल्म के क्लाइमेक्स को काफी ग्रैंड दिखाया है, जिसे देख आपका पैसा एकदम वसूल हो जाएगा। रोहित शेट्टी ने भी एक बार फिर अपने डायरेक्शन से सबको हैरान कर दिया है। एक अच्छा डायरेक्टर ही देखिए फिल्म को अच्छे से सजा सकता है और रोहित शेट्टी ने बखूबी ढंग से इस बार अपना काम किया है। बस कहीं कहीं फिल्म थोड़ी सी स्लो लगी है, लेकिन देखिए फिल्म के प्लस पॉइंट्स इतने ज़्यादा हैं कि खामियों पर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं जाएगा। अब बात करें स्टार्स की एक्टिंग की, तो देखिए फिल्म में अक्षय ने डीसीपी वीर सूर्यवंशी के किरदार में लोगों का दिल जीत लिया है। अपने एक्शन और स्टंट्स सीन से अक्षय ने पूरा शो अपने नाम कर लिया है। रणवीर ने फिल्म में अपनी कॉमेडी से जमकर हंसाया, तो वहीं अजय देवगन ने भी कमाल की एक्टिंग की है। कैटरीना ने भी देखिए अपने रोल को अच्छे से निभाया है। रणवीर और अजय का देखिए एक्सटेंड कैमियो फिल्म के लिए एक अच्छा रिस्पॉन्स साबित हुआ है। फिल्म के देखिए सपोर्टिंग में सिकंदर खैर जावेद जाफरी ने भी अपने किरदारों के साथ फुल जस्टिस किया है। अब देखिए विलन के रोल में गुलशन ग्रोवर और जैके श्रॉफ भी खूब जचे। फिल्म का म्यूजिक भी देखिए ठीक ठाक है और देखिए ओवरऑल क्रिटिक्स का ये कहना है कि दिवाली पर ये फिल्म लोगों के लिए एकदम पैसा वसूल है। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 3.5 स्टार्स दिए हैं।